चाणक्य से शुरू करते हैं। चाणक्य को समझने के लिए दो पॉइंट अगर हम समझ लेंगे तो चाणक्य को समझने में बड़ी आसानी होगी। पहला पॉइंट है कि चाणक्य देशभक्त है, ही इज अ पेट्रियॉट एंड ही डज नॉट वॉन्ट हिज कंट्री टू बी इंस्लेव्ड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि इंडिया गुलाम बन जाए, क्योंकि वो जानते हैं, उनका अध्ययन उनको बताता है कि अगर देश गुलाम हुआ तो गर्त में जाएगा और इतनी गर्त में जाएगा कि उसको कम से कम 100 साल लगेंगे उस गर्त से उभरने में। ये उनकी स्टडी कहती है और यही स्टडी मैकियावेली ने भी 15 शताब्दी के आसपास सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचे। 100 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको उस गर्त में से निकलने के लिए। तो बहुत पेट्रियॉटिक है और इतने पेट्रियॉटिक है कि वो प्रोफेसर है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो पढ़ाते हैं कूटनीति। वेरी सक्सेसफुल प्रोफेसर, फेमस प्रोफेसर, ही गिव्स अप एवरीथिंग व्हेन ही कम्स टू नो दैट द ग्रीक्स आर एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडिया। यवन आ रहे हैं सरहदों पर और हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी जाएगी अब, तो वो अपना जॉब छोड़ देते हैं वहां पर इस आशा में कि मैं जाऊंगा और नंदा डायनेस्टी के किंग्स को एडवाइस करूंगा और बताऊंगा उनको कि कैसे ये इस अटैक को रोका जाए। गुलाम नहीं बन जाना राजा साहब, ऐसे है मतलब ये उनका इतना पैशन है कि वो अपना जॉब छोड़ देते और चल पड़ते हैं पाटलिपुत्र की तरफ। और जब भी राजा या प्रजा अगर अवेरेगी काम करता है, अनवाइज काम करते हैं, तो चाणक्य को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और उनका फ्रस्ट्रेशन इज द यार्ड स्टिक विच टेल्स यू हाउ मच ही लव्स हिज कंट्री। ही कैन गिव रियली हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वी से वी कैन डाई फॉर इंडिया। कि देयर इज अ मैन इन चाणक्य हु वाज रियली विलिंग टू डाई फॉर इंडिया, दैट इज चाणक्य। दैट्स वन पॉइंट अबाउट चाणक्य। द अदर पॉइंट ऑफ चाणक्य इज चाणक्य हेट्स हिपोक्रेसी, पाखंड और ढोंग के वो सख्त खिलाफ है। उनकी ये फीलिंग है कि पाखंड और ढोंग देश को वीक, नॉन क्रेडिबल और हास्यास्पद बना देता है। वो कहते हैं अगर आप वीक आदमी हो और आप कहते हो मैं बहुत शांति प्रिय हूं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपकी शांति कोई अंदर एवोल्यूशन से निकल रही है कि आपकी मजबूरी है आपका शांत स्वभाव। अगर आप एक रोगी आदमी हो और रोग पकड़ने के बाद आप बहुत रिलीजियस हो गए हो, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आज हम कहते अतिथि देवो भव, अगर चाणक्य होते यहां पर तो चाणक्य आपसे पूछते क्यों कहते हैं वो अतिथि देवो भव, सारी दुनिया कहती है गेस्ट इज द बेस्ट, लेकिन तुम कहते हो अतिथि देवो भव, कहीं ऐसा तो नहीं आक्रमणकारियों को पिछली सदियों में सरहदों पर नहीं रोक पाए, वो घुसते चले आए और तुमने बनाया अतिथि देवो भव जिससे तुम्हारी कायरता तुम्हारी नोबिलिटी के पीछे छुप जाए। बड़े चालाक निकले तुम, अपनी बुजदिली को छुपाने के लिए ले आए अतिथि देवो भव। वो पूछेंगे आपसे अगर अतिथि देवो भव आपके हृदय का सूत्र है, आपकी मजबूरी को ढाकने के लिए एक नकाब नहीं, तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाइट अतिथि देवो भव है कि ब्लैक अतिथि भी देवो भव है। व्हाइट अतिथि तो देवो भव है, लेकिन ब्लैक अतिथि में को बुलाने के लिए आप कहते हो हफ्शी, आपका वर्ड जो है ब्लैक अतिथि के लिए वो है हफ्शी, अपनी पार्टी में आप ब्लैक अतिथि को बुलाते हैं, तो कहीं पर कोई चोरी है ये पकड़ते हैं। तो चाणक्य लाइफ जैसी है उसको वैसे देखते हैं। चाणक्य आपको झूठ बोल के हिपोक्रेसी से ढोंग से पाखंड के पीछे देखते हैं और वो चीखनी चुपड़ी बातें नहीं करते। ही इज नॉट शुगर कोटेड, ही सैंड पेपर, रेत मार है। जैसी जैसी लाइफ में वैसे देखते हैं। ये चाणक्य की दूसरी खूबी है, ये बात हम समझ लेंगे तो चाणक्य को समझने में आसानी होगी। चाणक्य का एक और पॉइंट भी है कि चाणक्य
राजनीतिक ज्ञान के हिमाच्छादित शिखर है, उनके बराबर कोई नहीं, बेमिसाल है चाणक्य। और दूसरी चीज है चाणक्य की कि चाणक्य सिर्फ बोलते या सोचते नहीं, वो कर्म करते। ये यूनिक चीज है, ये आप मैकियावेली में नहीं पाओगे। मैकियावेली एक और खलीफा हुआ, लेकिन आप ये मैकियावेली में नहीं पाओगे जो चाणक्य में एक कर गुजरने की एबिलिटी है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। दार्शनिकों ने वर्ल्ड को समझा बूझा है, लेकिन पॉइंट तो है वर्ल्ड को बदल देना, वर्ल्ड की नाइंसाफ को बदल देना, वो तो नहीं किया। चाणक्य बदल देते। चाणक्य ऐसे टाइम पर इंडिया में आए जब पूरा देश खंडित था, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, राज्यों में बटा हुआ था। उन्होंने सारे को एकत्रित कर दिया और पहली बार पिछले 3000 के हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड इतिहास में, साल के हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड इतिहास में पहली बार एक ऐसा इंडिया पैदा हुआ जो अपनी वर्तमान स्ट्रेंथ पे प्राउड था और वर्तमान मतलब प्रेजेंट पे स्ट्रांग था और प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी उसे। मतलब आज जो इंडिया है, जब पिछले 3000 साल में चाणक्य के एक टाइम के अलावा जो भी इंडिया हुआ है, वो हमेशा इतिहास पे प्राउड हुआ है या इतिहास पे हम स्ट्रांग थे। लेकिन चाणक्य ने एक ऐसा इंडिया दिया जो तभी प्राउड था और तभी स्ट्रांग था कि चाणक्य की बहुत जबरदस्त खूबी है। वो ये नहीं बोला कि हम पुरानी बात सुनाएंगे, नई बात सुनो, ये है ना। सो ये चाणक्य की बहुत बड़ी खूबी है कि वो कर गुजरते हैं और ऐसे कर गुजरते हैं कि जो इनविंसिबल आर्मीज थी अलेक्जेंडर की, कभी भी अनबीटन आर्मीज ऑफ अलेक्जेंडर लेड बाय अ गाय कॉल्ड सेल्यूसियस निकाटोर। सेल्यूसियस निकाटोर वाज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर हु हैड नेवर लॉस्ट अ वॉर। चाणक्य ने उसको ऐसी पराजय दी कि सेल्यूसियस निकाटोर को अपनी बेटी का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में देना पड़ा एज अ वाइफ, नहीं तो चाणक्य यवनों का नामो निशान इस धरती से मिटा देते। ऐसे ये लेवल थे इसकी चाणक्य। सो चाणक्य इज अ डूअर। Another beauty of Chanakya, he is as ruthless as Machiavelli, nishthur, but us nishthurta ke niche unke siddhant bade strong hai. Matlab wo kehte hain sam dam dand hai, but saath hi saath kehte hain ki real power, sustained power will come only through values and through character. He stresses on the character of the king. Again, this distinguishes him from others who are just saying Sam, Dam, Dand, Ved all the time. But वो कहते हैं कि आपका power sustain नहीं कर पाओगे अगर आपकी value system अच्छा नहीं है। Let me give you a few glimpses of Chanakya's world view. First point is, man should be virtuous. Virtuous he should be. He should be kind, honest, truthful, faithful. That means he should live like the saint. At the same time, he says, but when you, before you start living like a saint, buy a weapon. वो क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास वेपन नहीं है और आप सेंट संतत्व में चले गए तो आदमी दुनिया आपको हिमालय भेज देगी। तो उनके वेपन का मतलब क्या है? उनके वेपन का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में है कॉन्टैक्ट्स, आपकी गुडविल, आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू फाइट फॉर योर ओन प्रिंसिपल्स, दिस इज अ वेपन। तो वो कहते हैं शक्ति बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी और आप सिर्फ अच्छे हो तो आप हार जाओगे, अच्छाई एक बार फिर हार जाएगी। अच्छाई, अच्छा आदमी जब हारता है तो ही इज द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर गुडनेस, बिकॉज नाउ नोबडी वुड लाइक टू बी गुड। दे विल से देखो वो अच्छा था वो हारा और वो अच्छा था वो हारा। तो अच्छे आदमी को वो कहते हैं शक्ति बहुत जरूरी है उसके पास, तभी अच्छाई का अच्छाई विल प्रोपगेट। सो दैट्स वन ऑफ हिज पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट ही सेज इज, इफ यू थिंक दैट द वर्ल्ड विल नॉट अटैक यू बिकॉज यू आर अ गुड मैन, इट इज लाइक थिंकिंग दैट द बुल विल नॉट अटैक यू बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन।